गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एकेपी इंग्लिश कैरियर स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड आई एम अजित कुमार प्रसाद. वी आर लर्निंग टेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ सिंपल फ्यूचर टेंस. दैट मीन्स फ्यूचर इन डिफिनाइट टेंस. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस. तो आइए हम बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही रिलैक्स के साथ अपना टेंस का एक एक सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि कभी कभी आप लोगों को वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ आता होगा, क्या करें, जो बिल्डिंग में हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग है और उसके पीछे रेलवे ट्रैक है, तो उधर से रेल आती जाती है तो उसका आवाज़, मेरे दाहिने साइड में मार्केट है और बस स्टैंड है तो बस की आवाज़, नीचे वाले मकान में हम मेरे जो ऑफिस मैनेजमेंट हैं तो इनर है, उनके यहाँ दो दो कुत्ते रखे हुए हैं, उनका तो और कोई काम है नहीं, बस दिन भर भूखते रहते हैं, तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ आ जाती है. खैर कोई बात नहीं, आइए हम ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है. कह रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा. मैंने कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो आने वाले समय में किसी काम को करेगा, ये उसकी प्लानिंग हो सकती है, प्लान करके रखा है, ये उसकी विचारधारा हो सकता है, सोच हो सकता है कि चलो मुझे एक काम करना है. आने वाले समय में कर्ता किसी काम को साधारण तरीके से करेगा, इसको बताने के लिए फ्यूचर इनडिफिनाइट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है. पहचान क्या है जी? हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है. स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल अथवा विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. मैं कल पटना जाऊंगा, ये देखिए अंत में गा है. आई शैल गो टू पटना टुमोरो. मेहुल घर नहीं जाएगा, मेहुल विल नॉट गो टू हाउस. क्या आप मेरे घर आएंगे? शैल यू कम एट माई हाउस. मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जब हम रूल नंबर 3 में जाएंगे यानी कि इंट्रोगेटिव रूल में जाएंगे तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है शैल, विल, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, जो कुछ भी है वो आपको सामने आ जाएगा. देखिए यहाँ पर शैल विल से शुरू हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डॉट से शुरू होता है तो सामने आ जाता है. इसके बाकी के रूल्स भी हम आपको कुछ ही सेकेंड में बता रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, बाकी के जो रूल्स हैं इस टेंस के वो आपको अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं, आप चाहें तो बड़े ही आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए यहाँ पर कह रहा है रूल नंबर 4 में कि क्या वे लोग मेरा काम नहीं करेंगे? शैल दे नॉट डू माई वर्क. तुम लोग क्यों बाज़ार जाओगे? व्हाई शैल यू ऑल गो टू मार्केट या फिर बाज़ार. क्यों राकेश पढ़ाई नहीं करेगा? Why will Rakesh not study? अब देखिए एक एक लाइन जो है, ये सारा रूल जो है जो लिखा है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल अथवा विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, अब ये सब एक एक लाइन में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके खुद ही पढ़ सकते हैं, तो मैं बोल करके वीडियो को बड़ा क्यों करने जाऊँ. इसीलिए मैं बहुत कम में बोल करके निकलने की कोशिश करता हूँ, छोटा वीडियो रहेगा, कम समय में अच्छा स्टडी हो जाएगा आपका. अच्छा, एक और नोटिस वाली बात जो है सो इसमें ये बता दूँ कि अभी के इंग्लिश के अनुसार जिस तरह से यूज हो रहा है, आप सेल के जगह पर विल और विल के जगह पर सेल का यूज कर सकते हैं, ये गलती में नहीं माना जाता है, अब ऐसा चल रहा है. तो हमने आपके सामने फ्यूचर इनडिफिनाइट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को कंप्लीट किया. आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.